तो भाई अभी हम लोग इसका रेंज जो है ना वो टेस्ट करने लगे हैं। कैमरा मत छिनवा देना, इधर रहो भाई, इधर रहो, इधर रहो। अस्सलाम वालेकुम जी, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। भाई फिर एक बार एक अमेजिंग प्रोडक्ट के साथ मैं आ चुका हूँ। आपने देखे होंगे आजकल इस तरह के जो माइक्रोफोन्स हैं जो कॉलर के ऊपर लग जाते हैं, तो ये बड़ा ट्रेंड चल रहा है और सारी कंपनीज निकाल रही हैं। तो लेंस गो ने भी अपना जो है ना एक मॉडल निकाला है जो कि वायरलेस माइक्रोफोन्स है और मॉडल है इसका 348C। अच्छा जी, ये डुअल ट्रांसमीटर एंड वन रिसीवर वाला ये हमारे पास जो है ना पैकेज है। और इसमें आप देख सकते हैं कि सबसे अच्छी बात जो मुझे इसमें लगी ना, मैंने और भी दूसरी कंपनीज के यूज़ किए जैसे रोड वगैरह के, इसकी मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि एक तो ये केस के अंदर है और इस केस के अंदर आपने सिर्फ एक ही चार्जिंग केबल लगानी है, सारी डिवाइसेस एक साथ चार्ज हो जाएंगी। जैसे कि आप ये देखें तो ये आप देख सकते हैं कि बड़ा ही खूबसूरत तरीके से जो है ना इनके अपने अपने जो है ना वो खांचे बने हुए हैं और उसी के अंदर जो है ना ये फिट हो जाता है और इसी के अंदर ये चार्जिंग का सीन है, मतलब बिल्ट इन बैटरीज है और आपने लगाई तो ये चार्जिंग होना शुरू हो जाएगी। अच्छा ये जो है ना ये चार्जिंग यानी कि इसकी कोई बैटरी नहीं है, मतलब आपको जब केबल लगाएंगे तो ये तीनों चार्ज होंगे, ऐसा नहीं है कि आप इस केस को समझेंगे इसके अंदर भी चार्जिंग बैकअप होगा। तो बहुत ही अच्छे माइक हैं, मैंने तो खैर टेस्ट किए हैं, तो अभी हम इसको लाइव भी टेस्ट करके आपको दिखाते हैं और फिर हम इसकी डिटेल्स जानेंगे। और पैकेज के अंदर हमें जो है ना सबसे पहले एक तो बॉक्स मिलता है, इसके अलावा कुछ एसेसरीज में जो है ना केबल्स मिलती हैं जो कि मोबाइल और कैमरे के लिए हैं, इसके अलावा एक छोटा सा नॉब मिलता है जो कि आप उसको शर्ट पे या किसी भी जगह पे चिपकाने के लिए आप उसको प्लेस करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, बस ये चीज़ें हैं। और इसके अलावा जो है अभी हम इसका टेस्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि इसका साउंड कैसा है और इसका एक प्लस बेनिफिट भी है, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो भाई अब जो आप आवाज़ सुन रहे हैं ये लेंस गो वायरलेस 348C से आ रही है और आप देख सकते हैं कि कितनी क्वालिटी की जो मतलब इसकी मतलब जो जिस तरह की क्वालिटी है वो आपको कैसी लग रही है। मुझे तो खैर बहुत अच्छी लगी थी, तो अभी मैं दूसरा वाला रिसीवर भी ऑन कर लेता हूं और दिखाता हूं कि आपको कैसे अच्छा ऑटोमेटिकली पेयर कर लेता है, ये कितना बड़ा मसला नहीं। तो ये अभी हम दोनों को टेस्ट करने लगे, दोनों से आवाज़ आ रही है आगा भाई। तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 तो ये हमने इसका दिया। अभी सबसे पहली जो चीज़ होती है ना वायरलेस के अंदर वो आपने देखनी होती है कि रेंज कैसी है, तो आइए ज़रा इसका रेंज को जो है ना वो टेस्ट करके देखते हैं। तो भाई अभी हम लोग इसका रेंज जो है ना वो टेस्ट करने लगे हैं और अभी आगा जो है वो मेरा बंदा नीचे खड़ा है, मैं घर के ऊपर खड़ा हूँ। आगा भाई ज़रा जूम आउट करें तो आप देखिए, अच्छा खासा तकरीबन कोई होगा 30-40 मीटर का जो है ना फासला होगा। तो अभी हम देखते हैं कि आवाज़ इसकी कहाँ पर ब्रेक हो रही है, आवाज़ आ रही है, सही आ रही है। अच्छा भाई आगा भाई ज़रा मूव करो, उधर आगा भाई अभी जो है ना मूव कर रहे हैं और देखते रहें आप, ज़रा गिर मत जाना भाई, देख के भाई गाड़ी है। तो आप देख सकते हैं कि जी ये आवाज़ इसकी हम टेस्ट कर रहे हैं, इसकी रेंज और आवाज़ की क्वालिटी। अभी मैंने सिर्फ एक जो है ना इसको ऑन किया हुआ है, दूसरा माइक ये मेरे हाथ में है, आई एम श्योर आपको दिख रहा हो, बहुत छोटा सा दिख रहा हूँगा, लेकिन खैर आवाज़ सही आ रही है। आगा भाई, आगा भाई का कहना ये कि आवाज़ बिल्कुल ठीक आ रही है, ठीक है ना। गार्ड भाई आप भी ज़रा वहीं खड़े रहिएगा, ऐसा ना हो कोई कैमरा लेके भाग जाए। तो आगा भाई जाओ 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 पीछे जाओ पीछे जाओ, जहाँ पे ब्रेक होने लगे मुझे बताना। हेलो चेक 1 2 3 हेलो 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 जी, अरे भाई ये घुसे ना, हाँ सही है, तो अभी भी सही आ रही है। अच्छा जी ये तकरीबन जो है ना 100 से ज़्यादा मीटर दूर है ये आगा, और आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छी आवाज़ पकड़ रहा है। आगा भाई जूम इन करके जूम आउट करें, सही है, क्या बात है जी, और पीछे जाओ, कैमरा मत छिनवा देना, इधर रहो भाई, इधर रहो, इधर रहो, इधर रहो, आवाज़ ब्रेक हो रही है। अच्छा जी अब ब्रेक होने लगी तकरीबन ये 130 या 140 मीटर के बाद, यहाँ पे आवाज़ थोड़ी सी ब्रेक होने लगी है, तो आपने चेक रेंज भी बहुत अच्छी है। अच्छा भाई वापस आ जा। तो भाई मैंने आपसे कहा था कि एक इसके अंदर प्लस फीचर है जो कि बाकी दूसरी कंपनी इसके उसमें मुझे अभी तक नहीं दिखा, और वो ये है कि इसके अंदर आप एक सेपरेट बैकअप ऑडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। कैसे कि यहाँ पे जो है ना आपको एक माइक्रो एसडी कार्ड वो अपना प्लग इन करना है और यहाँ पे एक छोटा सा रिकॉर्ड का बटन है, जैसे ये मैं अगर दबा देता हूँ उसको तो इसने देखें ये रेड लाइट जलने लग गई, अब ये रिकॉर्डिंग इसने स्टार्ट कर दी। मतलब मैंने जो आवाज़ इसके अंदर दे रहा हूँ ना वो मेरे कैमरे के अंदर भी रिसीवर के थ्रू जा रही है, किसी भी रिकॉर्डर के अंदर, और एक बैकअप ऑडियो सिर्फ इस माइक की, इस वाले की नहीं, इसका अलग है। तो इसके अंदर आप अलग कर सकते हैं, इसके अंदर अलग, तो जैसे कि आपने अगर 2-3-4 लोगों की वो शूट करनी है तो आप सेपरेट भी लगा के जो है ना इनकी ऑडियो को एडिट पे ग्रैब कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट मुझे लगा है और आई एम श्योर कि ये मेरी कराची वाइज की शूट में मुझे ज़्यादा काम आएगा, क्योंकि मेजॉरिटी जो आजकल माइक्रोफोन्स मिलते हैं सस्ते मार्केट के अंदर उसमें आप
मैक्सिमम दो रिसीवर जो है ना, दो ट्रांसमीटर्स आप लगा सकते हैं। तो ये सबसे अच्छा फीचर है और मेरा मन पसंदीदा फीचर है। अच्छा जी, बिल्ड क्वालिटी अगर बात करूँ तो ये प्लास्टिक का जो है ना वो केस है इसका, और मतलब मुनासिब क्वालिटी है, बहुत अच्छी नहीं कहूँगा, लेकिन ऑब्वियसली इस बात है जो आपका काम है उसके हिसाब से इसकी क्वालिटी मैटर भी नहीं करती। ये भी प्लास्टिक के बने हुए हैं, ज़्यादा भारी नहीं है, बट ये कि आवाज़ का जो है ना सारा गेम है, और आवाज़ इसकी नो डाउट बहुत अच्छी है। इसका आप जो है ना ऊपर से ये फ्लैप भी हटा सकते हैं अगर आप चाहें तो, जैसे ये विंडशील्ड जो है इसकी, इसको आप हटा भी सकते हैं, और यहाँ पे आप एक अपना जो है ना वो लाइक लेवियर माइक भी जो है थर्ड पार्टी वो भी अटैच कर सकते हैं जैसी आपकी हो। इसका अपना बिल्टन माइक ही मैं चेक करूँ और वही मुझे चेक करना था, बाकी इसके अंदर मैं जो सा भी लेवियर माइक लगाना चाहूँ वो मेरी मर्ज़ी है एनीवे। और ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो बड़ी अच्छी प्रोडक्ट है, काफ़ी सस्ती है एज़ कम्पेयर दूसरी प्रोडक्ट्स की जो महंगी प्रोडक्ट्स आती हैं, तो आप इसको ज़रूर कंसीडर कीजिएगा अपनी वीडियोज़ के लिए, शॉर्ट फिल्म के लिए, कोई स्केच कॉमेडी या स्केच वगैरह आप बना रहे हैं तो उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और अगर आप ये ख़रीदना चाहते हैं पाकिस्तान में ईज़िली अवेलेबल है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स वगैरह मौजूद हैं। प्राइस भी जो है ना वो फ्लक्चुएट करते रहते हैं डॉलर के हिसाब से, तो आप खुद जाके चेक कर लीजिएगा, मुझे नहीं पता जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हैं तो उस वक्त प्राइस कैसे होंगे। तो खैर एनीवे वीडियो को करते हैं एंड, आई होप कि आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट दोबारा किसी और एपिसोड में किसी और प्रोडक्ट के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे इस उम्मीद के साथ कि आप अपना बड़ा ख्याल रखेंगे, दुआ में याद रखेंगे, हंसते मुस्कुराते रहेंगे और माशाल्लाह कह देंगे।